हाय फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन करी और चिकन आमटी। आज मैं इसे महाराष्ट्रियन स्टाइल से बनाऊंगी। ये खासकर महाराष्ट्र में विलेजेस में बनाई जाती है और इसे आप गावरान चिकन करी भी बोल सकते हो। ये बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक पतीला या फिर कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और तेल गर्म होने के बाद उसमें हम 3 तेज पत्ते, 2 दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 3 लौंग और 1 हरी इलायची ऐड करना है। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम उसमें 2 टेबल स्पून ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी लहसुन और हरे धनिए को मैंने पीस कर ग्रीन पेस्ट बनाई है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है क्योंकि इसमें से रॉ स्मेल चली जाए। उसके बाद हमें ऐड करना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर ये कांदा लहसुन मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला लिया है। अगर आपके पास ये मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम तेल में 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। और अब हमें ऐड करना है 1/2 किलो चिकन। तो मैंने यहाँ पे देसी चिकन यूज़ किया है, इसलिए मैंने इसे 3 से 4 सीटियाँ देकर बॉईल करके लिया है। अगर आप ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हो तो उसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, पर देसी चिकन की वजह से इस आमटी की टेस्ट और भी बढ़ जाती है। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें 4 टेबलस्पून मटन ऐड करेंगे। इस मसाले की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, आप उसे क्लिक करिएगा। और इस मसाले को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना होगा। 4 मिनट के बाद हम इस पतीले पर एक प्लेट रख देंगे और प्लेट के ऊपर हम 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 या फिर 3 मिनट के लिए चिकन दम पे रख रही हूँ। अगर आप ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हो तो आप उसे अच्छे तरह से कुक होने दीजिए। और इस तरह से हम प्लेट में रखा हुआ पानी भी ऐड करेंगे जो कि गर्म हुआ है, और हमेशा आपको चिकन में गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जब चिकन बॉईल कर लिया था तो उसका स्टॉक भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप चिकन करी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको थिक करी पसंद है तो आप कम पानी यूज़ कीजिए। तो ये गावरान करी है इसलिए बहुत ही पतली होती है। अब उसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और लास्ट में हमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करना है, इससे टेस्ट और भी अच्छी लगती है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने तक ऐसे ही रख देना है। तो 10 मिनट के बाद इसे बॉईल आ गया था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। आप इसे गर्मा गर्म कुमड़ी वड़े, पूरी या फिर चपाती और चावल के साथ सर्व कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपका चिकन फेवरेट है तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।